हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस मेजरमेंट में। अगर हम बात करें इससे प्रीवियस क्लास में, तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट टाइप टॉर्क्स में हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में बात करी। फिर हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को जाना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा जिस मेथड से प्रोड्यूस होता है उसके आधार पर जो है हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम उनको जो है कैटेगराइज करते हैं, चाहे वो आपका जो है मैग्नेटिक में वो हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोडायनमो हो। ठीक है, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिस मेथड से प्रोड्यूस होगा उस मेथड के आधार पर आप लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना था हमारा कंट्रोल टॉर्क के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने जाना था हमारा किसके बारे में, उसके बाद हम लोगों ने जाना था हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में। ठीक है, क्या कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में मैंने कहा था आपको, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में मैंने क्या कहा था आपको, जो टॉर्क जो है पॉइंटर को क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर आपने दिया, अगर आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दिया तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम है हमारे पॉइंटर को मूव कराना। किस डायरेक्शन में मूव कराना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम है हमारे पॉइंटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना रुकेगा कहां इसको नहीं पता, ये क्या है इसका काम, केवल मूवमेंट दे दी, इसने मूवमेंट दे दी ये चलता रहेगा। ठीक है, तो रुकता कहां पे है, अगर हमारा केवल और केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जाके ये रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि उससे आगे जाने का रास्ता नहीं है। अगर इसको उससे आगे भी जाने का रास्ता मिलता तो ये वहां भी जाता, घूम के दोबारा से आता, तो ये घूमना चालू कर देता। ठीक है, तो यहां पर हमें देखा कि हमने जो है हमारा जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमने लगाया तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये क्या हुआ, इसने इसका मूवमेंट कर दिया। रुकेगा कहां हमें नहीं पता, स्टॉप होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, जब तक इसके रुकेगा कैसे, जब तक कोई हर्डल नहीं रास्ते में आएगी। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रुकने का। दूसरा तरीका हमने ये देखा था कि हम ऐसा कुछ जोड़ जुगाड़ कर दें कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दें, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ऐसा टॉर्क लगा दें, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ऐसा टॉर्क लगा दें कि जहां पर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है आपका नियर बाय इक्वल टू आपका कंट्रोलिंग टॉर्क अगर हो जाता है तो मेरा पॉइंटर जो है उस पोजीशन पे जाके क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंटर जो है उस पोजीशन पे जाके जो है स्टॉप हो जाएगा। जहां पर भी मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मेरा पॉइंटर जो है स्टॉप हो जाएगा, ये चीज मैंने जानी। इसके अलावा जो है मैंने अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सबसे पहला पॉइंट मैंने इसके बारे में जाना था आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, पहली चीज हमने ये जानी थी कि मेरा जो है कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत दिशा में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है मैंने ये कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में जाना था, ये इसके जो है विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके बाद फिर मैंने जाना था, ठीक है, पॉइंटर को, ठीक है, आपका कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या होता है, हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क का काम होता है पॉइंटर को कहां पर रोकना, पॉइंटर को मेजर्ड वैल्यू पर रोकना। ठीक है, सपोज मेजर्ड वैल्यू 2 एम्पियर है तो पॉइंटर को 2 एम्पियर पर रोकना, ये काम किसका है, ये काम जो है मेरे कंट्रोलिंग टॉर्क का, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का नहीं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने डिफ्लेक्शन दे दिया बस। ठीक है, अगला क्या है, पॉइंटर को, पॉइंटर को, ठीक है, पॉइंटर कह लेता हूं मैं, या आप निडिल भी कह सकते हैं इसे, ऐसा कुछ हो नहीं है कि इस पर कंफ्यूजन होना चाहिए। पॉइंटर को, निडिल को क्या, निडिल को मेजर वैल्यू पर रोकना। ठीक है, पॉइंटर या निडिल को मेजर वैल्यू पर रोकना, ये भी क्या है मेरा, ये भी जो है मेरे कंट्रोलिंग टॉर्क का काम है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरा क्या था, मैंने कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में जाना, तीसरा पॉइंट मैंने कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में जाना कि जैसे अगर आपने कुछ चीज मेजर कर दी, मेजर करने के बाद जैसे ही आपने जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हटाया तो हमारा पॉइंटर को दोबारा से जीरो पर लाना। ठीक है, कोई वैल्यू आपने मेजर कर ली, मेजर करने के बाद आपने इक्विपमेंट वहां से हटाया तो अगला टारगेट आपका क्या रहेगा कि मेरा पॉइंटर जो है दोबारा से मेरी जीरो पोजिशन पर आए, तो वो काम भी कौन करता है,
वो काम भी जो है क्या करता है आपका, वो काम भी जो है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क करता है। ठीक है, नीडल को मेजर करना, वैल्यू पर रोकना। पर्टिकुलर अगर हम इस केस में बात करें, इस केस में क्या होगा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका नियर बाय इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क होगा इस पोजिशन पे। ठीक है, यहां पर रुकेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, पॉइंटर को क्या करना, पॉइंटर को, तीसरा काम क्या है हमारा इसका, इसका काम है पॉइंटर को, ठीक है, पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर लाना। ठीक है, ठीक है, ये काम भी किसका है, ये काम भी जो है क्या है, ये काम भी जो है मेरे किसका है, ये काम भी जो है मेरे पर्टिकुलर किसकी बात करें, ये काम भी जो है मेरे कंट्रोलिंग टॉर्क का है। ठीक है, चलिए तो ये जो है पॉइंट को फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा जरा यहां पर समझिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं निडिल के लिए, तो निडिल के लिए यहां पर जो आपका रहेगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहेगा, इस डायरेक्शन में जो आपका टॉर्क रहेगा वो मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क रहेगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें ये कैसा मूवमेंट है, ये जो मेरा जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ठीक है, तो ये भी पता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा हमेशा क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, और आपका जो है कंट्रोलिंग टॉर्क जो है मेरा हमेशा जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो है एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, क्या आ जाती है, सबसे पहली तो ये आ जाती है, जहां पर भी मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा वहां पर क्या आ जाएगी मेरी, वहां पर जो है मेरी स्टडी स्टेट आ जाएगी, या कह सकता हूं मैं क्या आ जाएगा मेरा वहां पर, वहां पर जो है मेरा स्टडी स्टेट आ जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगा मेरा, वहां पर जो है मेरा पॉइंटर रुक जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मुझे बताइए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पर निर्भर कर रहा है और कंट्रोलिंग टॉर्क किस पर निर्भर कर रहा है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लर्निंग आई होगी इन टॉर्क के बारे में, तो आपको एक क्वेश्चन मेरा है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पर निर्भर कर रहा है और कंट्रोलिंग टॉर्क जो है किस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो आप इतना तो हर कोई आंख बंद करके कह सकता है कि जब मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल होगा तो मेरी स्टडी स्टेट आ जाएगी। तो आप ये तो हर कोई कह सकता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर मेरा क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर निर्भर करता है। ठीक है, ये चीज तो आप कह सकते हैं कि मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में भी आप कह सकते हैं क्या कुछ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में भी आप कह सकते हैं क्या कुछ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं अगला पॉइंट, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का कंट्रोलिंग टॉर्क से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर निर्भर करता है, मगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप कह सकते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी भी टॉर्क पर निर्भर नहीं करता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी भी टॉर्क पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये चीज कह सकते हैं हम,
ये पॉइंट भी कह सकते हैं कि मेरा जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी भी टॉर्क पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर निर्भर करेगी, मगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा किसी भी टॉर्क पर निर्भर नहीं करता है। ये डिपेंड करेगा हमारा जो हमारी करंट रहेगी, जो हमारी मेजरिंग क्वांटिटी रहेगी उसके मैग्नीट्यूड पर, हालांकि निर्भर करेगा। उसके लिए हम निकालेंगे पीएमएमसी में टॉर्क इक्वेशन निकालेंगे, तो वहां पर हम लोग ये चीज देखेंगे। मगर यहां से जो है ये दो तीन चीजें जो है हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट काम की यहां पर ये आई है। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा सा और चीजों को थोड़ा सा देखें। यहां पर आपको ये मैंने जो है यहां पर आपके लिए ये पॉइंटर बनाया। ठीक है, ये जो है मेरा पॉइंटर यहां पर है। ठीक है, समझने के लिए पॉइंटर मैं आपके लिए यहां पर बना रहा हूं। अब यहां पर जो है ये जीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, चलिए ये मैंने यहां पर कहा ये आपका सिक्स है, ये फाइव है। ठीक है, चलिए तो आपको मुझे थोड़ा सा बताना है, यहां पर आपको मुझे बताना है कि ये मेरा कोई इक्विपमेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैं कह रहा हूं कि मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है शुरू में अगर ये आपका स्टडी स्टेट में होगा, जीरो पे होगा, तो जीरो पे क्या सिचुएशन होगी थोड़ा बताइए जरा। इनिशियल पोजीशन पर, एट इनिशियल पोजीशन पर आप मुझे बताइए कि मेरे किस टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं मेरे इनिशियल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा हूं। इनिशियल पोजीशन में आपने मुझे बताना है, ठीक है, और अगला आपने मुझे बताना है मेरा यहां पर फुल स्केल वैल्यू पोजीशन पे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहां पर क्या होगा। यहां पर आपका क्या कह रहे हैं, इनिशियल पोजीशन पर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इनिशियल पोजीशन पे अगर मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करूं, देख लीजिए अभी हमने पढ़ा, अब आप देख लीजिए अभी हमने पढ़ा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण कंट्रोलिंग टॉर्क है, ध्यान रखना इस पॉइंट को देखिए, तब आप थोड़ा आंसर करने की कोशिश कीजिए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, मैंने कहा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क, मतलब मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ही मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क आता है। क्या आता है, मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ही मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क आता है। फिर अब आपको बताना है कि आपका जो है क्या होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पर्टिकुलर एट यहां पर इनिशियल पोजीशन पर मेरा, इनिशियल पोजीशन पर मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरे कंट्रोलिंग टॉर्क से ज्यादा होता है। इनिशियल पोजीशन पर मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डोमिनेट करता है। फाइनल पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो फाइनल पोजीशन पर मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इस पॉइंट को। क्या पॉइंट मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को लिख लीजिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डोमिनेटेड ऑन कंट्रोलिंग टॉर्क। क्या कहूंगा मैं लिख रहा हूं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डोमिनेटिंग डी ओ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डोमिनेटेड ऑन कंट्रोल टॉर्क एट किस पोजीशन पर, ये जो है मेरा एट इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पर मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोल टॉर्क पर डोमिनेट होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं क्या कह सकता हूं, दूसरा पॉइंट मैं कह सकता हूं कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, मैं यहां पे टीसी डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ जाना इसे, टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क इज डोमिनेंट ऑन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एट कहां पर, एट फुल स्केल वैल्यू। ठीक है, एट फुल स्केल वैल्यू। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। अब बताइए एक ऐसी पोजीशन भी होगी जहां पर हमारा जो है
क्या होगा, जहां पर हमारा जो है क्या हो जाएगा, दोनों लगभग लगभग इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जहां पर हमारा दोनों लगभग लगभग इक्वल हो जाएंगे, कहां पर होगा ये, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नियर बाय इक्वल टू, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नियर बाय इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, कहां पर होगा ये, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नियर बाय इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क एट स्टडी स्टेट पोजीशन, जहां पर हमारी स्टडी स्टेट आ जाएगी उस पोजीशन पर जो है हमारा क्या होगा, उस पोजीशन पर जो है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के नियर बाय इक्वल होगा। ठीक है, कह रहे हैं नल पोजीशन पर क्या मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, राधिका कह रहे हैं कि क्या नल पोजीशन पे मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, तो जरा आप सोच के बताइए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने वाला कौन है जो आपने सिग्नल अप्लाई किया है, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप कहेंगे इस पोजीशन पे जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही नहीं है तो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा क्या, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस किसने किया, कंट्रोलिंग टॉर्क को जो है मेरे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने प्रोड्यूस किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनिशियली पोजीशन पर अगर हम बात करें, इनिशियल पे, वो इनिशियल का पोजीशन का मतलब बिल्कुल जीरो नहीं है, जीरो के नियर बाई पोजीशन पर मेरा जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डोमिनेंट होगा, ज्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू किसके, कंट्रोलिंग टॉर्क के। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। ठीक है, तो ये चीजें हो गई है। अब हम देखेंगे हमारे ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क के क्या होते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है हमारा कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, क्या हम जानेंगे मेथड फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क, तो आप बताइए आपको पता है क्या मेथड फॉर, बताइए मेथड फॉर, मेथड फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क, हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए क्या क्या मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल, सबसे पहला मेथड है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरा मेथड है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि मैंने कहा हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के, जो हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के हमारे जो है दो मेथड हैं, पहला है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा है हमारा जो है क्या कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, अब देखते हैं स्प्रिंग कंट्रोल में लिख रहा है कोई स्प्रिंग होगी जो इसे कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो देखिए स्प्रिंग कंट्रोल भी हमारा जो है दो तरह का होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें हमारे स्प्रिंग कंट्रोल की, अगर मैं बात करूं मेरे स्प्रिंग कंट्रोल की, तो स्प्रिंग कंट्रोल भी मेरा दो तरह का होता है। एक स्प्रिंग मेरी कुछ इस तरह की होती है, ऐसे ऐसे मेरी कुछ इस तरह की स्प्रिंग होती है, और एक स्प्रिंग जो है मेरी कैसे होती है, एक स्प्रिंग जो है मेरी कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों स्प्रिंग है। जनरली स्प्रिंग सोच के हमारे दिमाग में ये आ जाता है और ये वाला भी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी, इसकी अगर हम बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पाइरल स्प्रिंग। अब कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों में से कौन सा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड को जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, बता सकता है क्या कोई मुझे कि हमारा जो है कौन से स्पीड कंट्रोल मेथड को जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो हेलिकल स्प्रिंग हमारी कहां पर होगी, जहां पर हमारा जो है लीनियर कंट्रोल होगा। ठीक है, जहां पर मेरा लीनियर कंट्रोल होगा, जहां पर मेरा लीनियर कंट्रोल होगा वहां पर जो है मेरी हेलिकल स्प्रिंग होगी, और जहां पर मेरा एंगुलर कंट्रोल होगा,
जहां पर मेरा क्या होगा, जहां पर मेरा एंगुलर कंट्रोल होगा वहां पर जो है मेरी स्पाइरल स्प्रिंग होगी। तो आप देखोगे बुक्स में फिगर में पीएमएमसी के फिगर आप देखोगे बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में ये वाला फिगर बना देता है, जबकि एंगुलर कंट्रोल हमको चाहिए, जो हमारा पॉइंटर है वो हमारा एंगुलर मूवमेंट करता है, हम कल की क्लास में जान चुके हैं। तो हमें जो है एंगुलर के लिए हमें स्पाइरल स्प्रिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये कैसे कंट्रोल करता होगा। ये देखिए ये कोई यहां पर पॉइंटर है, ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंटर है यहां पर, मैं कह रहा हूं यहां पर जो है मेरा स्पाइरल है, ठीक है, ये मेरी क्या है, ये जो है मेरा पॉइंटर है। अब ये पॉइंटर किस पोजिशन पर रुकेगा तो कैसे होगा, अगर यहां से जाएगा पॉइंटर तो ये क्या होगा, देखिए आप जैसे जैसे ये मूवमेंट करेगा तो ये ऐसे ऐसे जो है क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर क्या होगा, टाइट होगी स्प्रिंग। जब ये पॉइंटर मूव करेगा मेरा तो यहां पर तो चलो लूज हो रहा है, मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन उल्टी ले ली है। अगर मैं डायरेक्शन इसकी सच में लू तो क्या होगा, अगर मैं इसकी डायरेक्शन बनाऊं यहां पर, तो मैंने डायरेक्शन क्या ले ली है, इसकी डायरेक्शन जो है मैंने इसकी उल्टी ले ली है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे जब ये आपका पॉइंटर मूव करेगा तो क्या होगी, आपकी स्प्रिंग टाइट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो पर्टिकुलर जो है वो स्प्रिंग किस मोमेंट पे उसको इसको रोकना है वो यहां पर जो है वो स्प्रिंग कंट्रोल से पता चलेगा। आई बात समझ में, ये जब मूव करेगा तो मेरी क्वाइल क्या होगी, कंप्रेस होने स्टार्ट हो जाएगी। आप देखो जैसे आप देखो ऐसे घूमेगा जब ये, जब पॉइंटर मेरा आगे के लिए जाएगा तो ये मोशन होना चालू होगा ऐसे, क्योंकि पॉइंटर मेरा आगे के लिए जा रहा है तो ये धीरे धीरे स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी, स्प्रिंग कंप्रेस कैसे होगी, स्प्रिंग जो मेरी कंप्रेस होगी वो मेरे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण दिखेगी, वो मैं देखूंगा आगे पीएमएमसी में, मैं जानूंगा कि कैसे वो मेरी स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। वो स्प्रिंग मेरी कंप्रेस होगी और पर्टिकुलर जो है मेरा पॉइंटर जो है वहां पर रुक जाएगा, ठीक है, और जिस जगह पे मेरा जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरे कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा मेरा, वहां पर जो है मेरा स्प्रिंग कंट्रोल जो है क्या आ जाएगा, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड जो है मेरा यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है हल्का सा वो, इसका मैं बाद में आपको फिगर भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको उसका फिगर भी दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए मैं मान रहा हूं ये मेरा जो है कुछ जीरो पोजिशन है, ये मेरा जो है कुछ क्या है, यहां पर जो है मेरा जीरो पोजिशन है, या जिसे मैं कह सकता हूं मेरी नल पोजिशन है। नल पोजीशन से ये जीरो है, ये जीरो से कुछ वैल्यू पे ही आया, ये जीरो से मेरा जो है कुछ वैल्यू पर ये आया, ये जो है मेरा क्या है स्प्रिंग कंट्रोल, जैसे जो है मैंने कहा वो मेरा इस पोजीशन पर आया, यहां पर मेरा जो है पॉइंटर रुका और मैंने कहा इसके बीच का जो एंगल है, एंगुलर एंगल मैं नापूंगा यहां पर, ठीक है, तो एंगल कितना है, वो एंगल जो है मेरा थीटा है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क रहेगा वो मेरा जो है थीटा के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, जितना आगे बढ़ता जाएगा मेरे जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ती जाएगी, थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मेरे जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क है टीसी इज इक्वल टू के थीटा, जहां पर के क्या है मेरा, जहां पर मेरा के है मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट, जहां पर के क्या है मेरा, जहां पर जो है मेरा के है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज पता चल रही है, जितना जो है आपका डिफ्लेक्टिंग एंगल होगा आपका जो है कंट्रोलिंग टॉर्क उतना ज्यादा होगा। तो देख लीजिए मैं क्या कह रहा था आपको, मैं कह रहा था आपको आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो आपका इनिशियली स्टेट पे क्या होता है, इनिशियली जो है आपके थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो आपका क्या होगा कंट्रोलिंग टॉर्क जीरो होगा, और अगर आप जाएंगे फुल स्केल वैल्यू पे थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पर आप देख लोगे वहां पर आपका जो है कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर जो है मेरे कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप ये भी देख रहे हैं मेरा टीसी और थीटा के बीच कैसी रिलेशनशिप है, बताइए टीसी और थीटा के बीच डिफ्लेक्शन के बीच मेरी कैसी वो है, टीसी और थीटा के बीच जो है कैसा है, टीसी और थीटा के बीच कैसा मेरा रिलेशन है, टीसी और थीटा के बीच मेरा क्या है, टीसी और थीटा के बीच लीनियर रिलेशन है। ठीक है, थीटा और टीसी के बीच जो है मेरा क्या है, उसके बीच जो है मेरा लीनियर ये है। ठीक है, अब यहां से दिख रहा है आपको, तो इससे मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहां से पता चला, अगर आपको लीनियर स्केल डिजाइन करना है तो आपको
कौन सी कंट्रोलिंग यूज करनी है, आपको स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज करना है। क्या चीज मैंने लिखा, अगर मुझे लीनियर स्केल डिजाइन करना है, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं कंट्रोलिंग टॉर्क जो है थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपको लीनियर स्केल डिजाइन करना है, लीनियर स्केल अगर बनाना है, ठीक है, उसके लिए एक कंडीशन ये भी है, हालांकि और कंडीशंस भी आएंगी लीनियर स्केल बनाने के लिए क्या किया जाता है, लीनियर स्केल बनाने के लिए स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, लीनियर स्केल बनाने के लिए स्प्रिंग कंट्रोल मेथड प्रयोग किया जाता, ठीक है, ये आपका हो गया है, क्या ये आपका हो गया है पहली चीज, ठीक है। तो जहां पर भी हमारा लीनियर स्केल होगा तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि आपका वहां पर स्प्रिंग कंट्रोल होगा, क्या कह सकते हो, कहीं आपको जैसे बता दिया पीएमएमसी में लीनियर स्केल होता है तो आप तुरंत कह दोगे आपका जो है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होता है, ठीक है। अब देखो लीनियर स्केल बनाने के लिए आप स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, जहां पर आपका स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होगा कोई जरूरी नहीं है वहां पर आपका स्केल जो है लीनियर आएगा, क्या बता रहा है, लीनियर स्केल बनाने के लिए एक कंडीशन है ये कि स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होना चाहिए अगर आपका स्केल लीनियर है, ठीक है, अगर स्प्रिंग कंट्रोल मेथड नहीं है तो आपका स्केल लीनियर नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी, यदि किसी इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लीनियर होगा, उसके लिए उसको और कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी, मगर अगर लीनियर स्केल है तो आप दावे से कह सकते हो कि आपका स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होगा, ठीक है, बातें समझ में आई दोनों, ये ट्रू है, इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, ये ट्रू है, इसका रिवर्स क्या है, इसका रिवर्स जो है ट्रू नहीं है, ठीक है। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो बड़े काम की हमारी है, जितने भी हमारे मोस्टली इंस्ट्रूमेंट में हमारा जो है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, मोस्टली इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल मेथड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो भी आप देखोगे, जहां पर भी आपका देखोगे ये वाली मैकेनिज्म, तो आप देखोगे कि आपका स्प्रिंग कंट्रोल मेथड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चाहे आपका आप अपना जो है पीएमएमसी आपने देख लीजिए और क्या देख लीजिए, चाहे आपका मूविंग आयरन देख लीजिए, चाहे आपका कुछ और भी देख लीजिए, आप सब जगह देखोगे आपका स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज किया जाता है। तो आपको ये भी पता है, हालांकि आप बाद में जानेंगे पीएमएमसी में हमारा स्केल लीनियर आता है तो वहां स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज होता है, मूविंग आयरन में लीनियर नहीं आता है, वहां भी हमारा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज होता है, तो रिवर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में लिखा है टीसी आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और थीटा के बीच आपका लीनियर रिलेशनशिप है, क्या है इन दोनों के बीच, टीसी और थीटा के बीच जो है मेरी लीनियर रिलेशनशिप है, दिख रहा है ना मुझे, मेरा जो है ये कंट्रोलिंग टॉर्क जो है थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मेरे कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू जो है उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अगला, और यहां पर जो है आप कह सकते हैं कि जो ये आपकी स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग आपके पर्टिकुलर जो है एक विशेष मटेरियल की बनी होती है, स्प्रिंग बनी होती है आपकी फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है, ठीक है। स्प्रिंग आपकी किस मेटल की बनी होती है, स्प्रिंग आपकी जो है फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है, ठीक है। स्प्रिंग जो है हमारी फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है स्प्रिंग कंट्रोल जो है आपकी किसकी बनी होती है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग कंट्रोल में जो आपकी स्प्रिंग बनी होती है वो मेरी जो है फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है, ठीक है। ये मेरी किसकी बनी होती है, ये मेरी जो है फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है, ठीक है। इस फास्फोरस ब्रॉन्ज की क्यों बनी होती है, इसका स्टीफेंस कांस्टेंट जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, इसका स्टीफेंस कांस्टेंट जो होता है वो आपका जो है बहुत कम होता है,
स्टीफन कांस्टेंट का मतलब क्या है, आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया और दोबारा से अगर आपने उसे ओपन किया तो क्या उसकी लेंथ में चेंज आता है, तो उसकी लेंथ में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो यहां से ये सब पॉइंट जो है मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से ये चीज हो गई है, ये हो गया है मेरा क्या, ये हो गया है मेरा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में आपको पता होना चाहिए आपका स्प्रिंग कंट्रोल मेथड पे लीनियर स्केल आता है, मोस्टली स्टूडेंट में हमारी स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज किया जाता है, और जो मेरी स्प्रिंग बनी होती है, स्प्रिंग जो है मेरी फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक है, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए आ गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगला देखिए, अगला आता है मेरे पास ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। अगला मेरे पास क्या आता है, अगला मेरे पास आता है ग्रेविटी, अगला मेरे पास आता है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। ठीक है, अगला जो मेरे पास आता है वो आता है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर हम ग्रेविटी के फंडे को यूज करेंगे और उस फंडे से हम देखेंगे कि हमारा जो पॉइंटर क्या आ जाए, हमारा हम उस पर टॉर्क देने की कोशिश करेंगे कि और हमारा पॉइंटर जो है हमारा स्टडी स्टेट पोजिशन पर आ जाए, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहां पर ये है, मैं पर्टिकुलर यहां पर बना देता हूं 0, 1, 2 इस तरीके से मैं आपको बना देता हूं यहां पर। ठीक है, स्केल मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो मेजरमेंट में मान के चलिए कि ये जो आपका है ये स्केल आपका जो है पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने कहा आपका जो है ऐसा कुछ होगा, यहां पर जो मैंने कहा यहां पर ये आपका जो है स्टडी स्टेट पोजिशन है, ये स्टडी स्टेट पोजिशन है। ठीक है, और आपका जो सपोज करते हैं कि चलिए वो आपका यहां पर आ गया है। ठीक है, यहां पर जो है आपका क्या आ गया है, इसको और कम पे लेते हैं, चलो यहां पे फिलहाल समझने के लिए मुझे केवल देखना है। तो यहां पर आपका जो है डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, सपोज आप ही करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू जो है मेरी 2 एम्पियर है। ठीक है, चलिए तो अब आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे, मैं यहां से इसको देखूं, ये मेरा 0 है। ठीक है, तो 0 के रिफ्लेक्ट उसमें रिफ्लेक्ट में इसने जो है क्या कर दिया है, 0 के उसमें इसने जो है हमारा थीटा डिग्री का एंगल बना दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है पर्टिकुलर यहां पर इसको रोकने के लिए जो मुझे फोर्स चाहिए, इसको रोकने के लिए यहां पर जो है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट की फॉर्म में हम देखेंगे, तो इसको रोकने के लिए फोर्स मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रोकने के लिए फोर्स जो है मैं नीचे की डायरेक्शन में लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसका मोमेंट तो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऐसे लग रहा है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क तो मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो है मेरा यहां पर नीचे की तरफ लगेगा। यहां पर तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, आपका पॉइंटर ऐसे मूव कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऐसे आ रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसको जो है मैं नीचे की तरफ कुछ लगाऊंगा, ऐसा कुछ मेरे पास होगा। तो पर्टिकुलर जो है क्या कर दूंगा, मैं यहां पर जो है एक पॉइंटर पे जो है पर्टिकुलर मेरा जो है कोई वेट रहेगा, पॉइंटर पे मैंने कहा पॉइंटर पे मेरा कोई नीचे वेट रहेगा। ठीक है, इस पॉइंटर के साथ मेरा वेट रहेगा। अब अगर मैं देखूं ये पॉइंटर के साथ जो वेट रहेगा, ये पॉइंटर के साथ वेट कैसा रहेगा, लीनियरली अलाइन रहेगा। ठीक है, पॉइंटर है, पॉइंटर हमारा स्ट्रेट पॉइंटर है, स्ट्रेट पॉइंटर के साथ मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेट पॉइंटर के साथ जो है मैंने ये वेट यहां पर बंधा होगा, इसके साथ ये एम जी बंधा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पॉइंटर तो मेरा सीधा होगा, ऐसा मेरा पॉइंटर होगा, ये मेरा पॉइंटर है, और इस पॉइंटर के साथ जो है मेरा क्या है कोई, इस पॉइंटर के साथ जो है मैंने कोई मेरा वेट माना हुआ है ग्रेविटी कंट्रोल से। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर इसने क्या कर दिया है, यहां पर इसने इसके साथ जो है थीटा डिग्री का एंगल बनाया है। तो आप जो है किसका यूज करके, आप जो है मैथमेटिकली यूज करके आप बता सकते हैं कि अगर ये थीटा डिग्री यहां से अलाइन हुआ है, ठीक है, अगर ये थीटा डिग्री यहां से अलाइन हुआ है, तो आप कह सकते हो कि यहां पर जो एंगल होगा, ये एंगल भी थीटा डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये पहले बता दीजिए, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर इसका इसने यहां से थीटा डिग्री इधर मूव करा, देखो ये लाइन है, यहां पर अगर इसने ये एंगल अगर थीटा डिग्री है, ये अगर मैंने कहा ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, यहां पर ये एंगल थीटा डिग्री है, तो ये एंगल भी थीटा डिग्री होगा, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वेट के 2 कंपोनेंट लगाऊंगा। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है,
तो यहां से अब मैं इसके क्या करूंगा, अब मैं जो है इसके दो कंपोनेंट बनाऊंगा। तो सबसे पहला जो है ये कंपोनेंट जो मेरा हो जाएगा, यहां से आप देखो ऐसे पर्टिकुलर क्या होता था, ऐसे अगर कोई यहां पर अगर आप इसके बनाए तो एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता था, हम बनाते थे पहले। यहां पर अगर आप देखें, यहां पर कैसे देखें इसे, इसे थोड़ा सा यहां पर मैं इरेज करता हूं, यहां पर मैं कहूं ये इस फॉर्म में आप देखिए तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने बनाए हैं बहुत। ये अगर मैं कहूं ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो आपका जो है क्या कहेंगे, ये वाला आपका जो है कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा होता है। ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा होता है, होता है कि नहीं होता है। तो पर्टिकुलर आपको कौन से इससे मतलब है, इस समय पे आपको मतलब है कि आपका इस पे दो फोर्स एक्ट हो रहे होंगे, एक फोर्स यहां एक्ट हो रहा होगा, एक फोर्स यहां एक्ट हो रहा होगा, ठीक है। कौन सा फोर्स होगा, यहां पर अगर मैं फोर्स की बात करूं तो ये वाला फोर्स mg cos थीटा होगा और ये वाला फोर्स जो है mg sin थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मुझे आप यहां से देख के मुझे तुरंत पता चल जा रहा है कि जो मेरा जो है कंट्रोलिंग टॉर्क है, वो कंट्रोलिंग टॉर्क किस पर निर्भर कर रहा है, वो कंट्रोलिंग टॉर्क जो है मेरा थीटा डिग्री, तो जितना होगा थीटा के साथ साथ अब थीटा पे ना डिपेंड करके mg sin थीटा पर निर्भर कर रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वहां पर, वहां पर तो आपका केवल और केवल थीटा पर निर्भर कर रहा था, यहां पर आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क जो आपका है tc जो आपका है वो प्रोपोर्शनल टू आपका किसके हो जा रहा है, वो हो जा रहा है आपका mg sin थीटा के प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। तो आप देखिए यहां पर TC आपका जो आ रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो आ रहा है वो साइन थीटा पर निर्भर कर रहा है, और साइन थीटा जैसे ही हमारा आ जाएगा वैसे ही हम देखेंगे कि हमारा जो है स्केल क्या हो जाता है, वैसे ही हम देखेंगे हमारा स्केल जो है नॉन लीनियर हो जाता है, क्योंकि TC ये तो चलिए क्या होगा, M आपका पहले फिक्स हो जाएगा, M तो आपका फिक्स हो जाएगा कि आपको जो रखना है, जो काउंटर वेट जो रखना है वो कितना रखना है, वो आपको पहले से फिक्स हो जाएगा। तो आप देखोगे यहां से आपका TC जो है आपके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगा, ग्रेविटी कंट्रोल्ड मेथड में हमारा नॉन लीनियर स्केल आएगा, ठीक है। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर बोल दिया ग्रेविटी कंट्रोल है तो आप कह दोगे वो स्केल नॉन लीनियर स्केल उसका है, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से जो है बड़ी चीज समझ में आई मुझे, यहां पर जो है मेरा जो स्केल है वो क्या है, वो है नॉन लीनियर, ठीक है। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में नॉन लीनियर स्केल यूज होता है, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में लिख लीजिए ग्रेविटी कंट्रोल्ड, ठीक है, ग्रेविटी कंट्रोल्ड मेथड में नॉन लीनियर स्केल होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मुझे बताइए, यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, ये चीज तो पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो आप देखोगे दूसरा, देखिए मैं कोई चीज थोड़ा समझिए, मैंने एक चीज ऊपर फेंकी तो नीचे क्यों आ रही है, ये बता सकते हैं? मैंने ये पेन ऊपर फेंकी तो ये पेन ऊपर से नीचे क्यों आई, कोई बता सकता है इसका कारण? ये जो है मेरा ग्रेविटी के कारण आई, जी के कारण आई। तो अगर मैं यहां से फेंक रहा हूं, जब मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं तो ऐसे तो वापस नहीं आ रही ना, ये ऐसे फेंक रहा हूं ऐसे में तो नीचे आ जा रही है। जब मैं इसको लेफ्ट टू राइट फेंक रहा हूं तो ये वापस क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे के लिए एक्ट करता है। तो यहां से मुझे पता चला, ये वाला जो मेरा इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो इंस्ट्रूमेंट अगर मैं ऐसे रखूंगा, मतलब मुझे पता चला मुझे जो है मेरा इंस्ट्रूमेंट ऐसे रखना पड़ेगा, आपका जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो ऐसे आप रखेंगे। अगर आपने गलती से इंस्ट्रूमेंट, ये आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, यहां से मैंने कह दिया ये जीरो से लेकर फाइव है, ये आपका जो है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का है, तब तो सही है, तब तो आपका क्या हो जाएगा, तब तो आपका जो है ग्रेविटी कंट्रोल याद करेगा। अगर आपने कंट्रोलिंग टॉर्क में ग्रेविटी कंट्रोल लगाया है तो आपका वो हो जाएगा। मगर जैसे ही आप देखोगे आपने इक्विपमेंट ऐसे ट्रीट कर दिया, जैसे ही ये देखोगे ये इंस्ट्रूमेंट आपने अब ऐसे टिल्ट कर दिया, यहां पर जीरो है, यहां पर फाइव है, और यहां पर आपका जो है कुछ वैल्यू है, मैं कहूंगा आपका ये मिली एम्पेयर वाला है, तो आप इस केस में देखोगे क्या ये ऐसा बिहेव करेगा,
क्या यहां पर ग्रेविटी कंट्रोल अब काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटी वाले फोर्स को हमेशा नीचे ही लगना है। इस केस में तो ठीक है, मेरा पॉइंटर के केस में जो है मेरा नीचे की तरफ लग रहा है, इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी वो यहां लगेगा। तो हमें ये तो डिसएडवांटेज लग गया कि हमारा, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसा रहेगा तब तो सही है, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसा रहेगा तब भी गड़बड़ है, और अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट हमने टेबल पे रख दिया, अगर आपने इस इंस्ट्रूमेंट को टेबल पे रख दिया तो टेबल पे भी अगर आप रख दोगे तो ग्रेविटी तो नीचे लगेगी। तो हमारा इस इंस्ट्रूमेंट का क्या डिसएडवांटेज है, अगर हमने ऐसे टिल्ट कर दिया तब भी नहीं, ऐसी पोजिशन पर केवल हमें जो है रखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, ये हमारा जो है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड जो है वर्टिकली माउंट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं केवल वहां पर यूज की जाती है, ठीक है। आई बात समझ में, क्यों मेरा ग्रेविटी कंट्रोल मेथड वर्टिकल माउंट पे ही केवल यूज किया जाता है, केवल यहां पर यूज किया जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में भी गड़बड़ हो जाएगा। और अगर आपने इस इक्विपमेंट को यहां पर, मैंने कह दिया कि कोई टेबल पे है, कोई ये टेबल है, इस टेबल पे भी अगर आपने रखा इस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट अगर आपने यहां पर रखा तो यहां पर भी इंस्ट्रूमेंट आपने भले ही ऊपर रखा हुआ है उसके, पर जो आपका जो फोर्स होगा, फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरा जो है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड केवल कहां पर होता है, अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है मेरा क्या होगा, अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है मेरा वर्टिकल माउंट होगा, वी ई आर टी आई सी ए एल, ठीक है, अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली माउंट होगा तभी मेरा जो है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। लिख लीजिए इस पॉइंट को भी, क्या लिख लीजिए, ग्रेविटी कंट्रोल्ड मेथड, ग्रेविटी कंट्रोल्ड मेथड वर्टिकल माउंट, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड वर्टिकली माउंट इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, चलिए अब अगला पॉइंट देखिए। एक पॉइंट और निकल के आया, जब मेरा वर्टिकल माउंट में यूज करना है तो उसकी पोर्टेबिलिटी क्या होगी, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो इसको मैं पोर्टेबल भी नहीं कर सकता हूं। क्यों? पता चला जहां आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वहां आपको वर्टिकली माउंट करने का एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा पोर्टेबल, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा पोर्टेबल होगा, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी कंट्रोल यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। यहां से आपको पता चला पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी कंट्रोल नहीं यूज किया जाता है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी कंट्रोल, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी कंट्रोल प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी जो है हमें यहां से पता चला, ठीक है। ये हो गए दोनों चीजें। अब जरा जो है इंस्ट्रूमेंट में मैंने पर्टिकुलर आपके लिए आज फिगर बना के लाए हुए हैं मैंने आपके लिए, ताकि आपको जो है आसानी हो, आप लोग समझ सकें कि आपका जो है होता क्या है स्प्रिंग कंट्रोल। यहां पर आप दिख रहे हैं फिगर, ये फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका पर्टिकुलर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो है, आगे खैर आप इसको पढ़ेंगे, ये जो मेरा है ये मेरा पीएमएमसी का ही ये है, ठीक है। पीएमएमसी में जो मेरी स्प्रिंग कंट्रोल यूज होती है उसका एग्जाम्पल ये है, पॉइंटर को कौन रोक रहा है, ये कंट्रोल स्प्रिंग यहां पर ऐसे लगी होती है, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पर, यहां पर जो है क्या हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपका कंट्रोल टॉर्क अगर ऐसे जा रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऐसे आ रहा है, तो स्प्रिंग आपकी क्या होगी, स्प्रिंग उसे जो है ऐसे करेगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर यहां पर जो है मेरा लीनियर स्केल आएगा, दिख रहा है यहां पर, ठीक है। ये यहां पर जो है आपका स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है। पर्टिकुलर यहां पर आप देख रहे हैं दो स्प्रिंग दिखाई दे रही है, हालांकि स्प्रिंग कंट्रोल के लिए आपको एक ही स्प्रिंग की आवश्यकता होती है, मगर हम जब पीएमसी पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पर ये क्यों दो स्प्रिंग यूज कर रहा है, ठीक है, वो हम वहां पर जानेंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए क्या है मेरा जो है, ये मेरा स्प्रिंग कंट्रोल का है, ठीक है।
स्प्रिंग कंट्रोल में अगर मैं फिगर से ना बना पाया तो आप यहां पर इसे देख सकते हैं कि कैसे जो है आपका मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हो, आपका स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो आपका पॉइंटर मूव होने से रुकेगा। ठीक है, ये हो गया है मेरा पीएमएमसी का। अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये मेरा किसका हो गया है, ये मेरा हो गया है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का। ठीक है, तो जैसी पॉइंटर यहां से यहां मूव करेगा, थीटा डिग्री मूव करेगा, तो ये एंगल थीटा होगा। आप क्या कर दोगे इसके इसके जो है आप जो है क्या कर दोगे इसके आप जो है दोनों कंपोनेंट में तोड़ोगे तो आप वहां से देख लोगे ये आपका जो है साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया यहां पर अगर आपको इंस्ट्रूमेंट का फील लेना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यहां से ये क्या कर दिया मेरा जो है पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी कंट्रोल प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। पोर्टेबल ये भी क्यों पोर्टेबल के लिए कह सकते हैं, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो आपको पता है जी की वैल्यू घटती जाती है, तो कारण ये भी है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल पे तो इसको पोर्टेबिलिटी में यूज करते ही नहीं है, इसको लैब वैब में करते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सस्ता पड़ता है, इसलिए इसको जो है यहां यहां पर क्या कर दिया जाता है, इसको जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए, अब अभी तक हमने जो है हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दो चीजें पढ़ी। अब थोड़ा सा मुझे बताइए, यहां पर मैंने कहा ये मेरा कोई पॉइंटर है, अब थोड़ा सा एक टॉर्क और आपके पिक्चर में आएगा। अभी तक आपको क्या था, अभी तक आपका जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क पिक्चर में था। आपने कहा इस डायरेक्शन में जो है इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, इस डायरेक्शन में इसका जो है कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है, और जैसे ही स्टडी स्टेट कहां पर आएगी मेरी, कहां पर मेरा पॉइंटर रुकेगा, जहां पर मैं कह दूंगा मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है नियर बाई इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क हो जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगी मेरी, वहां पर आप रहे हैं वहां पर जो है मेरी स्टडी स्टेट आ जाएगी। पर देखिए, नियर बाय इक्वल होता है, इक्वल पूरा का पूरा इक्वल नहीं होता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपके पास ऐसा हो जाए, अगर आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और कंट्रोलिंग टॉर्क है। क्या कह रहा हूं मैं, अभी तक मेरे को दो टॉर्क मैंने पढ़े, पहला मैंने पढ़ा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, पहला मैंने पढ़ा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा मैंने पढ़ा कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक दिक्कत मेरे पास थी कि मेरे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों आ चुके हैं। अब उसके बाद मेरे पे क्या दिक्कत होगी, अभी क्या समस्या मुझे आएगी, यहां पर क्या दिक्कत मुझे आएगी, यहां पर आप देखोगे क्या होगा, जैसे आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा कंट्रोलिंग टॉर्क से तो ऐसे जाएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा होगा तो ऐसे जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका पॉइंटर जो है वहां पर ऑसिलेशन करने लगेगा। ठीक है, पॉइंटर जो है ऑसिलेशन करने लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इससे, जैसे ही आपका ये हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नियर बाय इक्वल टू ये, यहां पर क्या हो जाएगा आपका पॉइंटर, ठीक है, क्या करेगा पॉइंटर स्टार्ट, चाहे पॉइंटर कह दीजिए, चाहे जो है क्या कह दीजिए, चाहे आपका निडल कह दीजिए, वो क्या कर देगा, पॉइंटर स्टार्ट ऑसिलेशन, कहां पर ऑसिलेशन करेगा, एट स्टडी स्टेट वैल्यू। अगर आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों है तो क्या होगा आपका पॉइंटर स्टार्ट ऑसिलेशन एट कहां पर, जहां पर इसकी स्टडी स्टेट वैल्यू होगी। ठीक है, स्टडी स्टेट वैल्यू जहां पर होगी वहां पर जो है क्या करने लग जाएगा, ये जो है ऑसिलेशन करने लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे अब यहां से बताइए, अब आपको क्या चाहिए होगा, अब आपको एक ऐसे, ये दो टॉर्क तो हमारे हो गए हैं, पहला हो गया है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो डिफ्लेक्शन जिसने दिया, कंट्रोलिंग टॉर्क का काम जिसने जो है हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या किया, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में लगा। अब हमें थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा आ जाता है, अब मेरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा आ जाता है, वो पॉइंट मेरा है कि मेरा जो है इसको अब स्टडी स्टेट पोजिशन में लाना है। स्टडी स्टेट पोजीशन में तो आ गया, ये वाइब्रेशन कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो इससे क्या होगा,
इससे आप अगर आपके पास किसी इंस्ट्रूमेंट में ये दोनों ही दोनों टॉर्क हैं, तो आपको क्या होगा, जैसे मैं कह रहा हूं यहां पर आपकी जो रीडिंग है वो रीडिंग आपकी दो या तीन के बीच आपकी रीडिंग आई, सपोज जो आपकी ट्रू वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू जो क्या है वो ट्रू वैल्यू आपकी जो है 2.5 एम्पियर है, तो ये क्या करेगा, ये आपका ऑसिलेशन चालू कर देगा। तो आप क्या होगा, इसकी वजह से आप लोग जो है अगर आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क है तो आपका क्या हो जाएगा, आप जो है एग्जैक्ट रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, कभी पॉइंटर जा रहा है दो पे, कभी जा रहा है तीन पे, तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको रीडिंग देखने में आप ऐसे देखोगे सामने से आपको ना तो ऑसिलेशन कर रहा है। वैसे ही हम लोग जो है पैरेलल के कारण जब स्टेडी स्टेट रहता है तब भी नहीं देख पाते हैं, स्टडी स्टेट में जब रहता है पैरेलेक्स एरर के कारण हम लोग वैसी रीडिंग नहीं देख पाते हैं। यहां पर तो और दिक्कत हो गई है, वो तो क्या कर रहा है, वो तो वाइब्रेशन कर रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और ऐसा टॉर्क चाहिए, क्या चाहिए, एक और ऐसा टॉर्क चाहिए जो क्या कर सके, इसको स्टडी स्टेट में ला सके। तो देखो अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हो गया, ये तो आपने कह दिया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका क्लॉकवाइज मूव करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अब आपको एक नया टॉर्क पिक्चर में आएगा जिसे मैं कहता हूं डैम्पिंग टॉर्क, जिसे मैं क्या कहता हूं, जिसे मैं कहता हूं मेरा डैम्पिंग टॉर्क, जिसे मैं क्या कहता हूं, जिसे मैं कहता हूं मेरा डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि डैम्पिंग टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, थोड़ा बताइए। मैंने कहा यहां पर ये कोई पॉइंटर के लिए मैंने यहां पर रखा, तो आपको पता है यहां पर इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है इस डायरेक्शन में, इसका कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है टीसी। और अगर मैं बात करूं डैम्पिंग टॉर्क की, सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक ऐसा टॉर्क चाहिए होगा जो इस वाइब्रेशन को रोक सके, ठीक है। तो देखिए वो क्या होगा, वाइब्रेशन रोक सके, वाइब्रेशन आपका दोनों तरफ होगा, ऑसिलेशन इधर भी होगा इधर भी होगा, तो आपका जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वो आपका दोनों डायरेक्शंस में लगता है, इस डायरेक्शन में भी लगता है आपका टाउ जीटा, जिसे मैं डैम्पिंग टॉर्क कह रहा हूं, और आपका इस डायरेक्शन में भी लगता है टाउ जीटा, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई, क्योंकि जब इस तरफ जाएगा पॉइंटर, यहां पर देखो जब पॉइंटर तीन की तरफ जाएगा तो आपका क्या कहेगा, आपका डैम्पिंग टॉर्क कहेगा कि चल भाई ढाई की तरफ आ, तो इधर लाएगा इसको, कैसा मूवमेंट आया इस समय पे, तीन से ढाई के लिए लाया तो कैसा मूवमेंट आया, आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज आया, ठीक है। अब ये ढाई की जगह चला गया दो पे, अब दो से लाना कहां पे है, वैल्यू कहां है, तीन पे है, वैल्यू कहां है, सॉरी ढाई पे है, तो किधर आएगा मूवमेंट, इधर आएगा। तो आपका जो आपका डैम्पिंग टॉर्क होता है वो आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूवमेंट करता है, ठीक है। यहां से समझ आया, यहां से समझ आया मेरे को, मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क केवल और केवल क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा क्लोज क्या करता है, क्लॉकवाइज केवल मूव करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, और मेरा डैम्पिंग टॉर्क क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट टॉर्क के बारे में, सारे के सारे टॉर्कों के बारे में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्लॉकवाइज मूव करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, और डैम्पिंग टॉर्क क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, ये तो जो है आपका दोनों दिशा में मूव करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की दिशा में भी मूव करता है और कंट्रोलिंग टॉर्क की दिशा में भी जो है ये हमारा मूव करता है, ठीक है। तो ये चीज समझ आई यहां पे। अब इसका जो है थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट लिख लेते हैं, क्या होता है, क्या आपके डैम्पिंग टॉर्क का काम होता है, डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क का काम क्या होता है आपका, डैम्पिंग टॉर्क का यूज, डैम्पिंग टॉर्क का यूज पॉइंटर को कहां पर, डैम्पिंग टॉर्क कहां पर आएगा आपका, डैम्पिंग टॉर्क आपका स्टडी स्टेट में काम का आएगा, डैम्पिंग टॉर्क का यूज पॉइंटर को स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट मतलब
डैम्पिंग टॉर्क का यूज पॉइंटर को स्टडी स्टेट पोजीशन में, स्टडी स्टेट पोजीशन बोले तो जहां पर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका कंट्रोलिंग टॉर्क के, देख लीजिए मैं इसको इक्वली लिख रहा हूं, नियर बाय इक्वल लिख रहा हूं, जहां पर आपका पॉइंटर को रेस्ट होना है, जहां पर ये हो जा रहा है, ठीक है। डैम्पिंग टॉर्क का यूज पॉइंटर को स्टडी स्टेट पोजीशन में क्या करने के लिए, स्टडी स्टेट पोजीशन में ऑसिलेशन, स्टडी स्टेट पोजीशन में ऑसिलेशन ऑसिलेशन को, इस ऑसिलेशन को क्या करने के लिए, इस ऑसिलेशन को एलिमिनेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो ऑसिलेशन एलिमिनेट करने को ना, एलिमिनेट करने को दूसरा नाम होता है डैम्प आउट। क्या करना, ऑसिलेशन को दूसरा नाम बोलते हैं डैम्प्ड आउट, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम डैम्पिंग टॉर्क होता है, ठीक है। ऑसिलेशन को एलिमिनेट करना मतलब ऑसिलेशन को डैम्प्ड आउट करना, ठीक है। अब आपका अगली चीज आप क्या लिख सकते हैं, आपका बताइए डैम्पिंग टॉर्क कहां होगा, बताइए डैम्पिंग टॉर्क। मैंने दिशा आपको बताई, तो आप अगर मैं कहूं डैम्पिंग टॉर्क के बारे में बताइए, तो डैम्पिंग टॉर्क आपका कहां लगेगा, डैम्पिंग टॉर्क आपका कहां लगेगा बताइए, डैम्पिंग टॉर्क आपका कहां लगेगा। मैंने बताया दोनों डायरेक्शन में लगता है, तो इसे और समअप करने की अगर कोशिश करें तो क्या कहोगे, आपकी डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क आपके पॉइंटर की, डैम्पिंग टॉर्क पॉइंटर के मोशन, क्या होगी मोशन की स्पेलिंग, एम ओ आई, क्या लगता है आपका डैम्पिंग टॉर्क पॉइंटर के मोशन की विपरीत दिशा में लगता है। अगर पॉइंटर इधर मूव कर रहा है तो आपका डैम्पिंग टॉर्क इधर लगेगा, अगर आपका पॉइंटर इधर वाइब्रेट कर रहा है तो आपका डैम्पिंग टॉर्क इधर लगेगा, ठीक है। तो डैम्पिंग टॉर्क पॉइंटर के मोशन की क्या करता है, पॉइंटर के मोशन की विपरीत दिशा में लगता है। आई बात समझ में, कंट्रोलिंग टॉर्क आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत दिशा में लगता है, डैम्पिंग टॉर्क आपके मोशन की विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, अगर मैं बात करूं आपके लिए मेजरमेंट में विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। तो आपका यहां से ये पॉइंट भी समझ में आपको आया, ये आपका जो है विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट भी हो गया है। अगला आप कह सकते हैं, अब ये आपका जो टॉर्क होगा, जो आपका जिसे मैं कह रहा हूं डैम्पिंग टॉर्क, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये हमारा जो है ये टॉर्क हमारा कितना हैवी लगना है, अगर ऑसिलेट कर रहा है, अगर ऑसिलेशन की स्पीड ज्यादा है, अगर ऑसिलेशन की स्पीड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है हमें जो डैम्पिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो डैम्पिंग टॉर्क जो है मेरा किसके प्रोपोर्शनल होता है, डैम्पिंग टॉर्क जो है मेरा पॉइंटर की स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, जो उसकी कहां पर आई, जो उसकी ऑसिलेशन पर आई, ठीक है, जो उसकी ऑसिलेशन पर आई, ठीक है। चलिए क्या एक अगला पॉइंट मुझे बताइए कि क्या मेरा बिना डैम्पिंग टॉर्क के काम चल जाएगा। अगर मैं कहूं मेरा डैम्पिंग टॉर्क नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क केवल और केवल इंस्ट्रूमेंट में हो, तो क्या मेरा काम चल जाएगा, हाँ मेरा काम चल जाएगा, मगर क्या होगा, मेरा पॉइंटर स्टडी स्टेट में बहुत देर में आएगा, चल जाएगा मेरा काम, ऐसा नहीं है। अगर मेरा डैम्पिंग टॉर्क नहीं होगा तो पॉइंटर मेरा बहुत देर में, हो सकता है कि एक घंटे बाद रेस्ट में आए, हाँ रीडिंग लेट आपको होगी, ठीक है। तो क्या होगा, इस चीज को आप कर सकते हैं कि अगर आप डैम्पिंग टॉर्क ना लगाओगे तो क्या होगा,
यदि आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, यदि ठीक है, यदि आपका काम तो चल जाएगा, यदि यदि इंस्ट्रूमेंट में, यदि इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क, यदि इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क ना दिया, यदि इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क ना दिया जाए तो क्या होगा, तो पॉइंटर क्या होगा, पॉइंटर काफी समय बाद क्या होगा, काफी समय बाद रीडिंग देगा। ठीक है, काफी समय बाद रीडिंग देगा क्या होगा, धीरे धीरे जो है हमारा क्या होने लग जाएगा, स्टेबिलिटी आने लग जाएगी टाइम के साथ साथ धीरे, फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत समय बाद देने लगेगा, क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद अकल आ जाएगी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को भी और कंट्रोलिंग टॉर्क को, बोले हम क्यों लड़ रहे हैं यार। देखो ब्रह्मांड की कोई भी चीज है स्टेबिलिटी चाहती है, यहां से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ रहा है, यहां से कंट्रोलिंग टॉर्क आ रहा है, पहले ऐसे झूम रहे हैं झूम रहे हैं झूम रहे हैं झूम रहे हैं झूम रहे हैं, धीरे धीरे वो कहेंगे यार हम दोनों क्यों लड़े, धीरे 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 वो एक स्टडी स्टेट पोजिशन पे आ जाएंगे, तो उस समय पे आपकी क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, ऑसिलेशन रुकेगा, बहुत देर बाद रुकेगा, पहले तो क्या होगा, शुरुआत में तो बड़ा तेज ऑसिलेशन होगा, तेज होगा 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 होगा, धीरे 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 जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो आपका जो है ये रीडिंग दे देगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बताइए, यहां पर मुझे बताइए, यहां पर जो है अगर मेरा पॉइंटर फुल स्केल वैल्यू पर है, बताइए अगर मेरा पॉइंटर जो है फुल स्केल वैल्यू पर है तो क्या होगा, अगर मेरा पॉइंटर एट फुल स्केल वैल्यू पर है तो क्या होगा, एट फुल स्केल वैल्यू पर क्या होगा, बताइए यदि मेरा पॉइंटर फुल स्केल वैल्यू पर है, ठीक है, तो आप कह सकते हो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो डैम्पिंग टॉर्क होगा ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहां पर फाइनल स्केल वैल्यू पे ऑसिलेशन ही नहीं होंगे, ऑसिलेशन होंगे, आप ये यहां पर आ गया फाइनल पोजीशन पर, ये आ गया, आगे तो जा नहीं सकता, पीछे जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कि पीछे की तरफ ऑसिलेशन होंगे, तो फुल स्केल वैल्यू पर मेरा क्या होता है, फुल स्केल वैल्यू पर मेरा डैम्पिंग टॉर्क जीरो होता है, और क्या होता है, और जो मेरा जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नियर बाय इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क नियर बाय इक्वल भी नहीं कहूंगा मैं, इस समय पर मैं कह सकता हूं कि मेरा जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरे कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल होगा। ठीक है, ये कहां की मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं एट फुल स्केल वैल्यू पर आपका जो है क्या हो जाएगा, फुल स्केल वैल्यू पर आपका डैम्पिंग टॉर्क जीरो होगा और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट है, डायरेक्ट इस पे जो क्वेश्चन बन जाता है आपके पास, एट फुल स्केल वैल्यू डैम्पिंग टॉर्क जीरो और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर चलिए, ये तो जो है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है यहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहां पर हमने ये सब चीजें जानी और क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, फुल स्केल वैल्यू पर टीसी ज्यादा था, बिल्कुल डोमिनेंट करता है, मैंने ज्यादा नहीं कहा, मैंने कहा डोमिनेंट करता है। ठीक है, अगर आप देखें, मगर अगर उसको डिफ्लेक्शन ही 5 एम्पेयर का कोई आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है और आपकी जो करंट है वो 5 एम्पेयर ही है तो क्या हो जाएगा उस केस में, आपका ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फुल स्केल वैल्यू पर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क डोमिनेट करता है, प्रभाव ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, कहने का मतलब मेरा ये का, अब उसका प्रभाव चलेगा या नहीं चलेगा वो तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बताएगा मुझे कि नहीं चला उसका प्रभाव। ठीक है, ये तो केवल हमने क्या कहा, ये हमने कहा कि डोमिनेट करता है।
ठीक है, और इक्वल कहां पे हो जाता है, जहां पर मैंने कहा था स्टडी स्टेट पर इक्वल हो जाता है। तीसरी पॉइंट मैंने कहा था कि आपका जीरो पर इनिशियली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डोमिनेट करता है, फुल स्केल वैल्यू पर कंट्रोलिंग टॉर्क डोमिनेट करता है, और जहां पर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आपका जो है दोनों क्या हो जाते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, कोई भी डोमिनेंट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट भी तो लिखवाया था, वो पॉइंट आपने देखा ही नहीं। ठीक है, अब जो हमारा इस डैम्पिंग के आधार पर ये जो अगर मैं इस ऑसिलेशन का अगर मैं बनाऊं तो हमारा जो है ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम आता है। ठीक है, ये हमारा जो है सेकंड ऑर्डर सिस्टम आता है। ठीक है, हमारा जो डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग के आधार पर अगर मैं कहूं कि मेरा जो है इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, तो डैम्पिंग के आधार पर, ठीक है, डैम्पिंग के आधार पर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो सेकंड ऑर्डर होता है। डैम्पिंग के आधार पर इंस्ट्रूमेंट सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, डैम्पिंग के आधार पर इंस्ट्रूमेंट सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है। ठीक है, तो आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होता है, वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। अगर हम देखें कि आपका अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर हम उसका ऑर्डर निकालने जाएं तो हमारा जो है वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें उस सेकंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तो वो होती है एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होती है मेरे, ये जो है मेरे सेकंड ऑर्डर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या होता है, ये अगर आपका ऐसा कुछ आया, ये ऐसे 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 स्टडी स्टेट पोजीशन पे आया, पहले ऑसिलेशन हुआ 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 हुआ, धीरे धीरे जो है हमारा ये स्टडी स्टेट पोजीशन पे आया, तो यहां पर पता आपको ये चीज क्या है, ये चीज कितने ऑसिलेशन हैं, इस चीज को बताता है आपका जीटा, जिसे हम बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। ये कौन बताता है, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम में अगर आपने ये निकाल दिया, अगर आपने सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जीटा निकाल दिया, तो आपने उसके बारे में सब चीजें बता दी, आपने क्या कर दिया, आपने उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सारी की सारी चीजें बता दी हैं। अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट का जीटा पता है तो आप कह सकते हो आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में सारी चीजें बता सकते हो। ठीक है, तो ये जीटा हमारा क्या क्या हो सकता है, ये हमारा जो है जीटा जो हमारा जो है इसकी वैल्यू के आधार पर आप जो है इंस्ट्रूमेंट में आप डिसाइड कर लोगे। ठीक है, ये ऑसिलेशन जो आ रहे हैं, ये ऑसिलेशन को कैसे पता चल सकता है, अगर आपको डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर भी से बोलते हैं, ये जीटा अगर आपको पता चल गया तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि मैं कहूंगा, देखिए यहां पर जीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, जीटा की जो वैल्यूज आपकी हो सकती है, जीटा की जो है अलग अलग वैल्यूज पे हम लोग देख सकते हैं। पहली मैंने देखी जीटा की वैल्यू लेस देन वन, ठीक है, अगला मैंने कह दिया जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन, एक हो सकता है जीटा की वैल्यू क्या, जीटा की वैल्यू आपका इक्वल टू वन। ठीक है, तो मेरे पास जो है यहां पर तीन तरह की चीजें, तीन जीटा के जो है मैंने वो देखे, जहां पर जीटा की वैल्यू वन है, जीटा की वैल्यू लेस देन वन है, और जीटा की वैल्यू जो क्या है, जीटा की वैल्यू जो है ग्रेटर देन वन है। ठीक है, और एक ये भी हो सकता है, कोई कहेगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जीटा की वैल्यू जीरो हो। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये अलग अलग कुछ होते हैं, इसको मैं बोलता हूं अंडर डैम्प्ड, समझेंगे इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा आपके लिए भी, अंडर डैम्प। आप फिलहाल इतना ध्यान रख लीजिए, अगर मेरे जीटा की वैल्यू क्या है, एक से कम है, तो मेरा जो सिस्टम क्या है, सिस्टम मेरा जो है अंडर डैम्प्ड है। जीटा की वैल्यू देखिए, जीटा की वैल्यू अगर मेरी ग्रेटर देन वन है, तो इसे मैं कहूंगा ओवर डैम्प, इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा मेरा ओवर डैम्प। ठीक है, और अगर मेरी जीटा की वैल्यू क्या है, अगर मेरी जीटा की वैल्यू वन है, तो इसे मैं कहता हूं क्रिटिकली डैम्प, क्या कहता हूं, इसे मैं कहता हूं क्रिटिकली डैम्प। ठीक है, यहां से भी देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन बन जाता है, इक्वेशन दे देगा ऐसी,
इक्वेशन दे देगा ऐसी और आपसे पूछ लेगा, आपको बताना है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है। ठीक है, ये हो गया है क्रिटिकली डैम्प्ड और ये वाला हो गया है मेरा अनडैम्प, यहां पर जो है आपका अनडैम्प। ठीक है, तो आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, यहां से भी आपके पास क्वेश्चन बन जाता है कि आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए आपका सिस्टम जो है कैसा है। ठीक है, ये चीज यहां पर आ गई है। हालांकि इसे जो है कंट्रोल सिस्टम पे एक्सप्लेन किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम में जो है इसे बताया जाता है, मगर यहां पर ये चीज आ गई है तो आपके लिए जो है यहां पर इसको थोड़ा सा पहले, ये बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहां पर एक इक्वेशन मैं लिख लेता हूं। आपको बताना है एस स्क्वायर प्लस एट ओमेगा एन, एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस फोर, बताना है आपको ये कोई उसने जो है कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको दे दी है, आपको इसको बता देना है कि ये कौन सा सिस्टम है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज एस की जो पावर होती है, पावर से जो है एस की जो मैक्सिमम पावर होती है, एस की क्या, एस की जो मैक्सिमम पावर होती है वो मेरा जो है उस सिस्टम का ऑर्डर बताती है। ठीक है, तो ये इसने कहा ये किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो आप कह सकते हो इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर टू होगा, या मैं कह सकता हूं ये क्या होगा मेरा, ये मेरा जो है मेरा सेकंड ऑर्डर होगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जो है मेरा सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब आपको इसकी सेकंड ऑर्डर सिस्टम की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अगर है, तो यहां से आप कंपैरिजन करोगे ओमेगा एन कितना आ गया आपका, ओमेगा एन आ गया आपका फोर, तो ओमेगा एन कितनी आ गई आपकी, ओमेगा एन आ गई आपकी टू रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको यहां से क्या करना है, टू जीटा ओमेगा एन कितना है, 2 जीटा ओमेगा एन जो आपका है वो कितना है यहाँ पर, वो आपका 8 है, तो जीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 8 अपॉन 2 इंटू 2, तो जीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, जीटा की वैल्यू आपकी आ गई है 2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ये वाला सिस्टम जो है आपका ओवर डैम्प हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सिस्टम जो है मेरा ओवर डैम्प हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन देख के आपको पूछ लेगा, आपको बताना है कि आपका सिस्टम ओवर डैम्प है, अंडर डैम्प है, या किस तरह की चीजें जो है। ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकेंड ऑर्डर को देखने के लिए। ठीक है, तो इस क्लास को अब हम यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे जो हमारा जो है ये डैम्पिंग टॉर्क है, उस डैम्पिंग टॉर्क के लिए हमारा जो ये जीटा है, डैम्पिंग रेशियो है, इसकी वैल्यू क्या रखी जाती है, हर वैल्यू पे हम देखेंगे हमारा रिस्पॉन्स कैसा आता है, ये सब चीजें जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है फिर ये डिफरेंट टाइप की जो हमारी डैम्पिंग होती हैं इसके बारे में जानेंगे।